ये है हमारी ग्रीन टी। सिंपल इजी तरीका, पानी बॉईल करें और ग्रीन टी का बैग जो है वो कप में डाल दें। हेल्थ के लिए भी अच्छी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दुबई डायरीज बाय नेहा। तो जैसे आपने देखा, मॉर्निंग की जो शुरुआत है मैं कर चुकी हूँ। मॉर्निंग के हो रही है 8 o'clock और डेट है आज 26th of June। बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी ब्रश किया और उठने के बाद जो है वो अपनी मेडिसिन ली थायराइड की, एक ग्लास पानी पिया और आ गई आपसे फिर से बातें करने। आप सोचो कि बातें बहुत करती है, तो बातें कुछ ऐसी हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। अरे हाँ, लास्ट वीडियो के लिए जो है वो मुझे सॉरी भी बोलना है, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको बोला था कि मतलब मैं जो हूँ वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का रूटीन शेयर करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली डिनर का मैं इसलिए नहीं कर पाई, थर्सडे था, वीकेंड था और वीकेंड है, यहाँ पे बाहर कहीं नहीं जा सकते। बट आज जो है हम प्लान कर रहे हैं इवनिंग में, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो लॉकडाउन जो चल रहा था तो नेटफ्लिक्स ही है जो वो सहारा बना हुआ था अभी तक हमारा सबका। तो बट अभी जो है वो काफ़ी गवर्नमेंट ने मतलब काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब ईज़ कर दी हैं या कहें आप, तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो बाउंडेशन थे वो धीरे 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 जो हैं वो हटा रहे हैं। तो आज आपको इवनिंग वॉक पे भी लेके चलेंगे, क्योंकि आज से प्रॉपर हेल्दी जो है वो खाना स्टार्ट करने वाले हैं हम। वॉक और एक्सरसाइज भी जो है वो इंक्लूड करने वाले हैं। तो आगे आगे जो है आपको मैं अपडेट्स देती रहूँगी, जो भी मैं चेंजेस और जो भी चीज़ जो मैं अपने रूटीन में ऐड कर रही हूँ। और बाहर का व्यू तो बनता है बाहर का व्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, मॉर्निंग है, और हाँ, बाहर के व्यू से एक चीज़ और याद आई। मैंने आप पहले पिछली कुछ वीडियो में जो है मैं कंप्लेन कर रही थी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, मेरे पास मैं हाथ से शूट कर रही हूँ। तो मैंने ट्राईपॉड ले लिया है, ये है ट्राईपॉड, निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये है। तो काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है ये, फ्लेक्सिबल है और मुझे सस्ता मिल गया है ये। मुझे अराउंड मिला है ये 30 dirham का। तो मैंने लोकल शॉप से जो है ये ट्राईपॉड लिया है, तो इससे जो है वो वीडियो शूट करते हैं। बातें बहुत हो गई, हम चलते हैं किचन में और जाके ब्रेकफास्ट की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। हेल्दी खाना खाएंगे, स्टार्टिंग जो है वो मैं सोच रही हूँ ग्रीन टी से करूँ दिन की, और फिर उसके बाद पोहा और फ्रूट्स ला के रख लिए हैं कल ही हमने, और दाल, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें जो है वो ऐड करने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डे। देखते हैं, प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। वो ये है कि ब्रेकफास्ट में हम बनाने वाले हैं दलिया, जिसे पॉरेज भी बोलते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं पोहा बनाऊंगी, बट वो कल। तो दलिया के लिए मैंने जो है दलिया धो के अच्छे से जो है वो बाउल में रख लिया है, हाफ पानी लिया है ये, 1 glass water ये वाला, और साथ में थोड़े नट्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। तो क्या करना है, सिंपली इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। जैसे ही बॉयल होगा इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और मिल्क और शुगर जो है वो एंड में जाएगी। तो चलिए बनाते हैं दलिया। आप देख सकते हैं हमारा जो दलिया है वो अच्छे से बन के रेडी है, और ये हम खाने वाले हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो चलें एंजॉय करें आप भी और मैं भी। वेलकम बैक। तो देख सकते हैं अगेन किचन में हम, किचन में इसलिए है अब जो करने वाले हैं लंच की तैयारी। मैंने अराउंड 9 o'clock जो है वो दलिया बना के खा लिया था, पॉरेज आपने देखा होगा पहले। अब मेरे हाथ में है प्याज एंड गार्लिक। तो मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने बताया इवनिंग में जो है मतलब वॉक पे जाने के लिए सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ पहले डिनर वगैरह बना के रेडी कर लेते हैं और लंच भी कर लेते हैं। तो 11 o'clock मैंने एक ग्रीन टी का कप जो है वो बना के पिया था, और अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ येलो वाली दाल मूँग की मसरी की। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो वो दाल है वो रोटी के साथ खाएंगे हम इवनिंग में, मतलब डिनर में। तो अभी लंच के लिए जो है वो बनेगा पनीर, पनीर नहीं बनेगा, पनीर पड़ा हुआ है, तो
तो मेरे पास राइस भी हैं कल रात के, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से राइस में जो है वो पनीर को मतलब फ्राइड राइस की तरह जो है वो मैं एक मील ले लूँ, साथ में योगर्ट ले लूँ उसके। तो ये होगा मेरा लंच। और अराउंड 5 o'clock फिर जो है हम दोबारा से एक ग्रीन टी का कप पियेंगे नट्स के साथ। तो चलें शेयर करते हैं रेसिपी। और हाँ, जो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये मैं अपने ट्राईपॉड के साथ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ट्राईपॉड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है शेयर करते हुए। सो थैंक यू गाइस। और एक चीज़ और के लिए कि जो पिछले वीडियोस हैं उस पर व्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे आते जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हम बनाने वाले हैं मूंगी मसूर की दाल। उसके लिए मैंने ये वाली दाल ली है मिक्स, मसूर और मूंगी की, इनको मिक्स दाल है ये मेरे पास। और मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो पील कर लिए हैं, तो मैंने 1.5 प्याज लिए हैं छोटे मीडियम साइज़ के। साथ में गार्लिक लिया है मैंने, अराउंड 7 क्लॉव्स जो है वो गार्लिक के हैं। फिर ये थोड़ा सा जिंजर, और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ और एक टोमेटो। इसको बस नॉर्मल हम चॉप करेंगे और लगाएंगे जैसे सब्जी और अपना इंडियन स्टाइल में तड़का लगता है वैसे। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम दाल। दाल से पहले क्या करना है, गैस को ऑन करके कुकर को चढ़ा दिया मैंने। जब तक कुकर गर्म होता है, मैंने ये जो है चॉप करके रख लिए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, जिंजर गार्लिक अनियन और ग्रीन चिलीज। इसका तड़का लगाना है सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, गुड फॉर हेल्थ। तो अभी लंच का टाइम ही हुआ है, इन बिटवीन जो है हम एप्पल्स खा लेंगे। मैंने एप्पल काट के रखे थे, खा लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है। वो एक वो लोगो नहीं होता था कि एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे, कुछ ऐसा। जैसे ये कुकर गर्म होता है तड़का लगा देते हैं, और साथ में जो मैं फ्राइड राइस भी फ्राई कर लूँगी। और आज थोड़ा अच्छा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, लॉकडाउन जो है वो यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं जो 11 PM तक होता था। तो अब जो है हम बाहर जा सकेंगे, और बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब फ्रीडम में अब जाना है या कुछ ऐसा, बट ये है कि चलो थोड़ा अंदर ही अंदर थे काफ़ी टाइम से, तो बाहर जाने को मिलेगा तो अच्छा लग रहा है। कुकर देखते हैं, गैस गर्म हो चुका है कुकर। हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। स्टार्टिंग में पता, जब हम यहाँ पे आए तो रिफाइंड यूज़ करते थे, जबकि मुझे आदत नहीं थी। इंडिया में मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर अपना सनफ्लावर ऑयल हो गया। बट अभी जो है मैंने, जैसे मैंने बताया, अब हेल्दी खाना है तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल, गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा फिर हम लगाएंगे तड़का। तो आप बताइए, आप आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना? यहाँ पे जो लोग वर्किंग हैं उनका तो अच्छे से हो जाता होगा, जो मेरे जैसे भी घर पे हैं, तो आप सब कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्लीज़ बताएं, शेयर करें मेरे से। देखिए तेल गर्म हो गया है, ऊपर से धुआं आ रहा है, अब इसमें डाल देंगे हम जीरा, और फिर इसमें जो हमने चॉप करके रखा हुआ था जिंजर गार्लिक अनियन वो डाल देंगे, और उसको जो है अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे। तो हमारा जो प्याज और गार्लिक सब कुछ मिक्स किया था वो ऑलरेडी जो है मतलब जो हमारा पेस्ट था वो ऑलरेडी जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो, तो टमाटो को ऐड करने लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा पकेगा इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हल्का जो है ब्राउन हो गया, इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, और साथ में टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से जो है वो आपस में मिक्स कर देंगे। मैं जो हूँ वो मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ जब दाल बनाती हूँ, स्पेशली ये येलो वाली। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर जो ये हमने दाल है जो धुल के रखी हुई है हमने, ये दाल ये जो है इसमें ऐड कर देंगे, और 2 सीटियाँ जो हम इसे कुकर में करवा लेंगे। हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, तो आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है रेडी हो गई है। इसका कलर जो कितना अच्छा आया है, तो इसमें अगर आप चाहें धनिया भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ये सिंपल और इजी ट्रिक है ये दाल बनाने का, प्लस एक हरी वाली छिलके की वाली दाल आती है जो,
वो बनाने का। तो ट्राई करें, इजी रेसिपी है और इसको राइस के साथ और रोटी के साथ खाएं। मैं आज खाने वाली हूँ इसको रोटी के साथ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं बैक साइड पे मेरे कुकर में दाल जो है वो रेडी हो गई है, सीटियाँ लग चुकी हैं। ये रहे मेरे फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस जो मैंने आपसे शेयर नहीं किए, सॉरी, क्योंकि कोई आ गया था। सिंपल तरीके से बनाए हैं, पैन को गर्म करना है, ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा उसमें डाल दिया ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, पनीर और जो बचे हुए राइस थे। अच्छे बने हैं, घर पे ट्राई करें। और आप कैसे बनाते हैं वो मेरे साथ रेसिपी प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। साथ में जो है मैंने यहाँ पर बनाई है ग्रीन टी, तो हम राइस के साथ जो है वो ग्रीन टी लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना है जितनी भी हॉट ड्रिंक्स हैं, मतलब आप गर्म कुछ पीते हैं खाने के बाद, लेमन वाटर, बॉयल वाटर या फिर ग्रीन टी, वो बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, प्लस आपका इम्यून सिस्टम भी है जो वो इन्हांस करता है। और आपको पता है कोविड की सिचुएशन में जो है अपना इम्यून सिस्टम हमें जो है वो बहुत हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है। मैं इंजॉय करती हूँ अपना लंच और रात का डिनर रेडी है, रोटी बनानी है साथ में चपाती, वो बनाएंगे। सिंपल खाना खाना है, कुछ हैवी नहीं खाना। वीकेंड अभी जाके ऑलमोस्ट गया है कल ही, जैसे मैंने बताया था आपको। और बस मैं नेहा मिलती हूँ आपको एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, मेरी रेसिपी के लिए, मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जैसे मैंने बोला था, सिर्फ खाना ही नहीं, हमें जो है अपनी रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज भी करने हैं। वो ब्लॉग जो है वो मैं इवनिंग में जब जाऊंगी तब जो है वो ऐड कर दूंगी, तो हो सकता है वो ब्लॉग जो है वो कल आए, तो आप कल देख लें 27th को। तो ये ब्लॉग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट से लेकर आपने डिनर तक का मेरा रूटीन देख लिया है जैसे मैंने बताया। बट हाँ, मिड स्नैक्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच का टाइम, लंच के डिनर के बीच का टाइम, उनमें जो है आप फ्रूट्स लीजिए, जैसे मैंने अभी एप्पल खाया, ऑरेंज लें, या फिर आप कोई स्मूदीज बना के पी लें। मैं एवोकाडो स्मूदी मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैं जो हूँ आने वाले टाइम पे शेयर करूँगी। अभी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एकदम से नहीं कर सकती, जितना मेरे से हो रहा है स्लो बाय स्लो मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए आप वेट करें। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट माय चैनल। लव यू ऑल।